नमस्कार दोस्तों, तुम देखा दे जम्मू परिवर्तन ते मैं आज इसला थिया। दोस्तों जिसलै मिगी अजे तक चेता जिसलै मैं निक्का होंदा हा ते मैं जम्मू रौंदा रहा ते मैं स्कूल पढ़ता हा डीवीएन, जेडे मेरे कन्नै पढ़दे हो जेड़ा पंज तीर्थी स्कूल हा दीवान बद्रीनाथ, ते साढ़े प्रिंसीपल होंदे हे नंदा सर। ते हां बड़ी कुट खाधी उंदे कोला, बड़ी मार भी खाधी है, लेकिन पढ़ांदे भी बड़ा शैल हे। प्रिंसीपल हे, दबदबा होंदा ते पंज तीर्थी, मेरे ख्याल च ओह स्कूल हुण बंद होई दा, हुण मेरे ख्याल च तलाब तिलो आली साइड चली गेदा, शिफ्ट होई दा। ते अठवीं दी पढ़ाई जिहड़ी मैं उत्थे कीती ही, ते तुसीं मैं सुनाई ओड़ां कि अज मेरा वीडियो बनाने दा मकसद इह है कि अज जिहड़े होनहार साढ़े बच्चे ने उन्हें अठवीं च करिश्मे कीते ने, मतलब कि साढ़े आस्तै ते इक करिश्मा होंदा हा कि 200 चा 200 नंबर लियाना, मतलब कि इक टारगेट करना, अचीव करना, 200 चा 200 नंबर लियाना साढ़े आस्तै बड़ा, मतलब कि एक होंदा हा कि शिखर प्हाड़ी पर चढ़ना। लेकिन अजकल दे बच्चे इन्ने इंटैलीजेंट ने, सुपर इंटैलीजेंट ने, अजकल तुसें पता कि शिक्षा इन्नी बढ़िया शिक्षा लब्भा दी है, एक मतलब कि जेहड़ा तुस आखी सकदे हो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, इहदे कन्ने भी बड़ा सपोर्ट लब्भा दा। दोस्तों मेरे कन्ने जेहड़े होनहार बच्चे बैठे ने, चलो उंदे कन्ने गल्लबात करचै। हालांकि तुसें पता अजकल दे जेहड़े बच्चे ने हिंदी गै प्रैफर करदे ने ज्यादा, ते इंदे कन्ने मैं डोगरी च भी गल्लबात करने की कोशिश करना ते हिंदी च भी। अच्छा आपके स्कूल का क्या नाम है? बीवीएन हाई स्कूल। ये कहाँ पर है? विजयपुर में। हाँ विजयपुर में, गुड़मोड़ वाली साइड। ठीक है, तो मतलब कि अब आपको कैसा लग रहा, आपके मम्मी पापा को कैसा लगा, मतलब कि जब उनका आपका रिजल्ट आया तो? बहुत ही प्राउड फील हुआ उनको, और हमें बहुत अच्छा लगा कि मार्क्स अच्छे आ गए हैं, हमने पढ़ाई भी अच्छी की थी और अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जब रिजल्ट आना था तो नर्वस थे कि अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, पर अब अच्छे नंबर आए हैं तो अच्छा लग रहा है। तो सारा रिजल्ट जी लांदा ना, अहें नींदर गै नहीं पौंदी, अहें पता कि अगर रिजल्ट आने पौंदा, पता कित्ते दा काकड़ी निकली, ते दिक्खो 200 200 नंबर आई है। ते मम्मी पापा से गिफ्ट मिला कोई? अभी तक तो नहीं मिला। मिल जाएगा शायद। तो आगे का टारगेट क्या है, मतलब कि आगे अच्छे नंबर कि हम सबको अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए, मम्मी पापा की बात माननी चाहिए और अपनी स्टडीज को लेकर थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि हम अच्छी तरह पढ़े, फजूल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताएं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर। क्रिकेटर? हाँ। अच्छा आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? हाँ। तो आपका फिर फेवरेट बैट्समैन कौन है? रोहित शर्मा। अच्छा फिर आईपीएल के मैच देख रहे हैं आप? हाँ। ठीक है, तो आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? आर्मी में पैराग्लाइडिंग। अच्छा आर्मी में जाना चाहते हैं आप, क्या बात है, मतलब की देश की सेवा करना चाहते हैं। हाँ। अच्छा तो इसके लिए कोई तैयारी शुरू कर रहे हैं, रनिंग शनिंग करते हैं, दौड़ शोड़ लगाते हैं? हाँ लगाते हैं, सुबह जाता हूँ। अच्छा सुबह जाते हैं। हाँ दोस्तों, जियां कि असें सारे ही पता कि जड़ी पढ़ाइयां ऑनलाइन हुई हैं क्योंकि लॉकडाउन लगे रहे, स्कूल सारे बंद हे, ते ऑनलाइन पढ़ाइयों च नंबर इन्ने शैल लियाना ये भी बड़ी बड़ी गल है, ते मैं शाबाशी उन मास्टरें भी दिना, उन स्कूल आह्ले भी दिना जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाइयां है नहीं पढ़ाइयां कराइयां ते इन्हें इन्ने शैल नंबर लियाने। तो अच्छा फिर मतलब कि आपकी जो पढ़ाई थी वो ऑनलाइन हुई? ऑनलाइन हुई। तो आपके पढ़ाने वाले टीचर कितने टीचर थे आपके? टीचर थे 7 टीचर। 7 टीचर, मतलब कि वो शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको पढ़ाते होंगे? हाँ शिफ्ट, सुबह 9:30 बजे होती थी और शाम को 2:30 बजे। तो आपके जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी आपको कांग्रेचुलेशन कहा होगा? हाँ कहा है। कहा? हाँ जब गए थे रिजल्ट लेने। तो दोस्तों ये मेरे कहना सुमित परीक्षित जिन्हें कि अठवीं अच्छे नंबर लेने ते अपने घर आ एक मतलब कि शाबाशी का मौका दिता है, क्योंकि स्कूल का तो है गया हा शाबाशी, मैं अस स्कूल आह्ले तो आखने गए, लेकिन इसलिए लॉकडाउन लगे दा हा तो जेडे बच्चे पढ़ाइया घर गै करा दे वह भी एक बड़ी बड़ी गल है, क्योंकि ट्यूशन बाहर पढ़ जान नहीं होंदा क्योंकि लॉकडाउन लगे दा हा, एक कोरोना का डर हा, तो जेडे पेरेंट्स है उन्हें भी बच्चे घर पढ़ाया, तो अज उनका रिजल्ट दिखी लिया तुस कि बच्चे इन्ने शैल शैल वधिया नंबर लियाने ना।